जिस प्रकार से वोटों की गिनती इस समय चल रही है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट जाने तक की बात कह दी है, क्या लगता है आपको कि ये फैसला लेना इस समय जरूरी था राष्ट्रपति ट्रंप का, या वोटों की गिनती एक बार पहले हो जाती उसके बाद अगर ये चीज वो कहते तो कहीं ना कहीं उनकी जो खिसियाहट है वो सामने नहीं आती? नहीं, सही बात है, उन्होंने ऐसा लगता है कि जल्दी कह दिया। और खैर, जो ये परिणाम दिख रहे हैं और जिस प्रकार से जो बिडेन ही इज इंचिंग टुवर्ड विक्ट्री, ये सब सबको एकदम आश्चर्यचकित किया है, हर एनालिस्ट को किया है, इंक्लूडिंग मेरे भी। इस प्रकार के परिणाम की अपेक्षा किसी को नहीं थी, यूएस के भी अधिकांश एनालिस्ट उस लेवल तक नहीं सोच रहे थे। लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए संभावनाएं कम दिखती हैं, खत्म नहीं हुई है लेकिन कम दिखती है, काफी कम दिखती है। अब बाकी जहां तक विषय है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हर स्टेट की कोर्ट पर जाएंगे, क्योंकि स्टेट के बहुत सारे पावर्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और उनको दोनों पर्सपेक्टिव से लड़ना है, फिर उनको स्टेट की कोर्ट से भी लड़ना है और पब्लिक जो परसेप्शन है उससे भी लड़ना होगा। अब देखते हैं वो कैसे आकार लेता है। लेकिन एक बात मुझे अभी भी लग रही है कि जिस प्रकार से कल रात से देखें आप, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति एक ही नंबर पर अड़ी हुई है, जबकि जो बिडेन आगे बढ़ रहे हैं। यदि यही सीक्वेंस चलता रहता है और बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री, जिसका अभी भी, अब तो मैं एनालिसिस भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट भी यूएस कह रहे हैं कि स्थिति यह रहेगी कि बहुत क्लियर विक्ट्री किसी की नहीं होगी, लेकिन सारे एनालिसिस फेल हो चुके हैं इसलिए मैं उससे बात नहीं कर रहा। लेकिन यदि जो बिडेन को क्लियर विक्ट्री मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोर्टों की समस्या आएगी फिर। जी हाँ, बिल्कुल गुलरेज जी, आपने सही कहा, अगर क्लियर विक्ट्री यहाँ पर मिल जाती, आगे निकल गए हैं। गुलरेज जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के साथ में भारत के कई करार हुए हैं, कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, क्या वो सब यथावत रहेंगे अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं, या फिर उन पर नए सिरे से विचार किया जाएगा और भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या कुछ परिवर्तन आ सकता है? देखिए, डेमोक्रेसी के सबसे अच्छा पहलू यही होता है कि व्यक्ति से ज्यादा संस्थाओं पर डिपेंडेंट होती हैं, और जो संस्थाएं होती हैं, चाहे संस्था प्रेसिडेंट का ऑफिस हो चाहे संस्था कोई और हो, वो एक कंटिन्यूटी होती है। तो व्यक्ति के रहने से फर्क नहीं पड़ता, ऑफिस रहता है तो ट्रंप रहते हैं नहीं रहते हैं उससे उन करारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से उसकी गारंटी होती है जो कि अपने आप में कंटिन्यूटी होती है। और जहां तक विषय है कि जो बिडेन अच्छे रहेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप अच्छे रहेंगे, देखिए दोनों ही भारत के संदर्भ में अच्छे हैं। मैं क्यों कहता हूँ ये बात, क्योंकि जो चाइना फैक्टर है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को यूएस की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि एक नेचुरल अलायंस डेवलप हो रहा है यूएस और भारत का, जिसमें म्यूचुअल आवश्यकता दोनों को एक दूसरे की है। तो नेशनल इंटरेस्ट जो अमेरिका के हैं वह भी इसी में है कि भारत को अलाय के तौर पर अपने साथ रखें। तो कोई भी वहां ओवल ऑफिस में होता है, व्हाइट हाउस में होता है, उसका भारत के जो संबंध है उससे कोई असर नहीं पड़ना है, संबंधों की ग्रोथ यथावत होगी, क्योंकि यूएस को भारत की जरूरत है एज अ पिवट अगेंस्ट चाइना इन द इंडो पैसिफिक थिएटर। जी बिल्कुल गुलरेज जी, लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली होगी, ट्रंप से पहले पूर्व राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, बराक ओबामा थे और उनके भी भारत के साथ में काफी अच्छे संबंध थे उनके कार्यकाल में, और जिस प्रकार से उनसे गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते थे, ट्रंप के आ जाने के बाद में वही गर्मजोशी वापस लाने में थोड़ा वक्त लगा था, और इस वक्त के बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विरोध में, या फिर हम कह सकते हैं भारतवासियों के विरोध में, जो अमेरिका में रह रहे हैं और जो लगातार यूएस जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनके खिलाफ कई बयान दिए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ट्रंप भारत के, भारतवासियों के और नजदीक आते चले गए, और हर बार ऐसा देखा भी गया है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति बदलता है तो भारत को अमेरिका के साथ में एक नई इक्वेशन बनानी पड़ती है, पुरानी इक्वेशन को साथ में लेकर चलना पड़ता है, तो क्या ऐसा ही कुछ जो बाइडेन के चुनने के बाद भी हो सकता है? देखिए, जहां तक जो बिडेन का सवाल है, जो बिडेन ओबामा एरा की एक कंटिन्यूटी है, प्लस जो बिडेन के साथ एक और विषय है कि वह वेरी मच पार्ट एंड पार्सल है जो डीप स्टेट है
जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पार्ट एंड पार्सल आज से नहीं है, वो 40-50 साल से है। तो जो बिडन तो इंस्टीट्यूशन का एक अपने आप में अंग है, तो कोई विषय आना नहीं है उनके साथ। ट्रंप जो थे, ट्रंप के साथ एक जो नयापन था वह यह था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन के उभरे थे, जबकि जो बिडन तो एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट दशकों से है, तो जो बिडन के साथ कंटिन्यूटी अपने आप ही चलती रहेगी, उसका कोई विषय नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल गुलरीत जी, आप हमारे साथ में बने।